अस्सलामुअलैकुम किचन विद नादिया में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी है मटन दो प्याज़ा, जो कि बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनती है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिल्ली में एक कप ऑयल गरम किया, उसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पक जाए तो उसमें प्याज शामिल करते हैं। गरम मसाला पक गया, दो मीडियम साइज के प्याज स्लाइस करके इसके अंदर डाल के इसका कलर चेंज कर रहे हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया। अब मेरे पास आधा किलो मटन का गोश्त है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह भूनूंगी। लहसुन अदरक दो चम्मच है, वो भी इसके साथ डाल के अच्छी तरह भूनूंगी। मटन अच्छी तरह भून चुका है। तीन अदद के मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, वो मैं डाल दूँ। दो चार हरी मिर्चें वो मैं डालूँगी। मैंने लाल मिर्ची एक चम्मच लिया, धनिया एक चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी क्वार्टर चम्मच, गरम मसाला क्वार्टर चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, ये सब इसमें शामिल कर देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास एक चम्मच कसूरी मेथी है, ये भी इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। गोश्त मेरा अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसमें दो कप पानी शामिल कर रही हूँ ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। गोश्त मेरा अच्छी तरह गल गया है, ये देखिए इस स्टेज पे। ये मेरे पास प्याज है, हरी मिर्चें हैं, धनिया है, अदरक है बारीक कटा हुआ, ये इसमें शामिल करेंगे। और दो मिनट के बाद दम पे रख के उतार लेंगे। हमारे लीजिए मटन दो प्याज़ा बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप बआसानी देख सकें। ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं।